सुबह के 7:30 बजे हैं। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है और अब आपकी सेवा में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एसएलबीसी का सबसे सुरीला और सबसे सुहाना कार्यक्रम पुरानी फिल्मों का संगीत। आज महान संगीतकार, पार्श्व गायक और निर्देशक स्वर्गीय हेमंत कुमार साहब की पुण्यतिथि है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम आज का ये प्रोग्राम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हेमंत कुमार साहब ने बेहद लाजवाब गाने गाए, बेहद लाजवाब संगीत दिया। खुद अपने संगीत निर्देशन में उन्होंने गीत गाए, युगल गीत गाए। साथ में उन्होंने न केवल अपने बल्कि अन्य संगीतकारों के संगीत निर्देशन में भी ढेर सारे गाने गाए, युगल गीत, एकल गीत, और बाकी संगीतकारों ने भी उनकी आवाज़ का बखूबी उपयोग किया। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अलग अलग संगीत निर्देशकों के संगीत निर्देशन में उनके गाए युगल गीत, वो भी लता मंगेशकर की आवाज़ में। जी हाँ, लता मंगेशकर के साथ बेहद लाजवाब गाने गाए उन्होंने। और लता मंगेशकर जी का जन्मदिन अभी आने वाला है 28 सितंबर को, तो मैंने सोचा क्यों ना इस प्रोग्राम में आपको हेमंत कुमार और लता मंगेशकर के गाए युगल गीत सुनवाए जाए, वो भी अलग अलग संगीतकारों के संगीत निर्देशन में। तो सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। Ah!
अभी आपने वसंत देसाई के संगीत में गाना सुना फिल्म झनक झनक पायल बाजी से। गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा था। लीजिए अब चित्रगुप्त के संगीत में सुनिए अगला गीत डाका फिल्म से। गीत को लिखा है प्रेम धवन ने। आँखों में क्या क्या इशारे हैं। बस है
ये गाना आप सुन रहे थे डाका फिल्म से। लीजिए अब अलबेली फिल्म का गाना सुनिए रवि के संगीत में। जी हाँ, गाना भी रवि ने लिखा है। मुस्कुराती हुई चांदनी जगमगाता हुआ दो मोहब्बत भरे दिल जहां कह सके प्यार की दास्तां हम तुम्हें ले चले हैं वहां। कह रहे हैं नगारे पुकार के बीत जाए न दिन ये बहार के सनसनाती हवाओं के गीत ने तार छेड़े दिल के सितार के ये सुहाना समा खेलेंगे जवां फिर खुले क्यों न दिल की जुबान। मुस्कुराती हुई चांदनी जगमगाता हुआ आसमान निकली होंगी तुम कहां दो मोहब्बत भरे दिल जहां कह सके प्यार की दास्तां तुम्हें ले चले हैं वहां। सितारों की रंगीन छाँव में दो दिलों का अनोखा ये साथ है हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए प्यार का मुस्कुराया जहाँ मुस्कुराए हुए बंदनी जन्मदाता हुआ मोहब्बत भरे दिल जहां कह सके प्यार की अलबेली फिल्म से अभी आपने इस गाने को सुना। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में अगला युगल गीत जो है वो शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में है। गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और ये फिल्म है बादशाह। I'm not afraid of the dark.
अभी आप ये गाना फिल्म बादशाह से सुन रहे थे। लीजिए अब सुनिए अगला गीत आगोश फिल्म से। रोशन के संगीत में इस गीत को शैलेंद्र ने लिखा है।
बचपन में हम कर बैठे एक छोटी सी नादानी, छोटी सी नादानी। लेकिन आज उसी के दम से है जिंदगी सुहानी, है जिंदगी सुहानी। क्या मिल गए कि आगे बढ़ती जाए कहानी, धीरे धीरे चल गया नदी में पानी हो, धीरे धीरे। आगोश फिल्म से भी आपने ये गाना सुना, और अब सी रामचंद्र के संगीत में सुनिए फिल्म अनारकली का गीत। गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने। ये गाना फिल्म अनारकली से सुन रहे थे। आज महान संगीतकार, पार्श्व गायक और निर्देशक स्वर्गीय हेमंत कुमार साहब की पुण्यतिथि है। श्रद्धांजलि के रूप में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के साथ उनके गाए युगल गीत, वो भी अलग अलग संगीतकारों के संगीत में। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत। स्वर्गीय कुंद्रा सहगल और उमा शशि की आवाजें हैं फिल्म चंडीदास से। संगीतकार हैं आरसी बोराल। प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में सज के सज प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में सज के सज
हो प्रेम पड़ोसी प्रेम में सुख का सार प्रेम में सुख का सार प्रेम सखा हो प्रेम पड़ोसी प्रेम में सुख का सार प्रेम में सुख का सार प्रेम के संग बिताए के जीवन प्रेम के संग बिताए के जीवन प्रेम ही प्राणाधार प्रेम के संग बिताए के जीवन प्रेम ही प्राणाधार प्रेम सखा हो प्रेम पड़ोसी प्रेम में सुख का सार प्रेम में सुख का सार प्रेम के संग बिताए के जीवन प्रेम के संग बिताए के जीवन प्रेम ही प्राणाधार कर्म है प्रेम ही धर्म है प्रेम ही सत विचार प्रेम ही सत विचार प्रेम ही धर्म है प्रेम ही कर्म है प्रेम ही सत विचार प्रेम ही सत इसके साथ ही कार्यक्रम पुरानी फिल्मों का संगीत हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है। शॉर्टवेव 25 मीटर बैंड में 11905 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह के 8 बजे है सुबह का प्रोग्राम। हम यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं। हमारी अगली सभा कल सुबह 6 बजे आरंभ होगी। तो आज के दिन हमें तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे थे राजीव नानककार ज्योति परमार को। अब आगे दीजिए नमस्ते।